PS1 एक ऐसी मूवी जिससे सबको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। वो मूवी काफ़ी अच्छे स्केल पे बनाई गई थी, राजा रानी टाइप वाली फील दी गई थी। ऐश्वर्या राय का उसमें कमबैक भी देखा गया था और साउथ के तो कहते हैं ना भर भर के टैलेंटेड एक्टर्स उसमें थे ही। अब उसके सेकंड पार्ट का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जब उसका फर्स्ट पार्ट था, जब मैंने वो देखा था, तो अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे वो उस लेवल पे पसंद नहीं आया था, क्योंकि मूवी का फर्स्ट पार्ट स्टोरी को बिल्डअप करने में इतना बिजी हो गया था। उसमें इतने बड़े बड़े नाम लिए जा रहे थे जो कि बोलते हैं ना एक तरह से जनता जिनको जानती भी नहीं थी, लेकिन एंड में आते आते उनको समझाया गया कि किसकी बात हो रही है। इससे ऐसा होता है ना कि एंड में तो आपको मूवी समझ में आ जाए, लेकिन शुरुआत में आप ऐसे बैठे रहते हो कि ये बात हो किसकी रही है, क्योंकि राजा महाराजाओं के बड़े बड़े नाम लिए जा रहे थे। कभी उनको किसी नाम से बोला जा रहा था, कभी उनको किसी नाम से बुलाया जा रहा था, जो कि पोनियन सेल्वन जो मूवी का नाम भी है वो भी एक राजा के लिए ही दिया गया था, तो बीच में उनका असली नाम भी लिया जा रहा था, जिससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। और एट द एंड अगर आप उसका फर्स्ट पार्ट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कितनी बोरिंग है, लेकिन सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा एक्शन सिक्वेंस और थोड़ी सी बातें समझ में आने लगती है, तो लगता है कि नहीं मूवी ठीक है। अब मूवी की जहाँ एंडिंग हुई थी कि पोनियन सेल्वन एक बहुत बड़े जहाज पे लड़ रहे हैं और सबको अब ऐसा लग रहा है कि भाई वो उसी जहाज के साथ डूब गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब उनके पीछे से जो चोलाज हैं, उनके जो एम्पायर है, उसमें क्या होता है, कैसे वो टूटने लगता है, कैसे वो किसको बांटा जाता है और लोग उसको हथियाने की भी कोशिश करते हैं। इस मूवी में देखो ट्रेलर से ये समझ में आ रहा है कि मूवी में इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे पिछली मूवी में था कि भाई बातचीत चली जा रही है बहुत लंबी, समझाई जा रहे हैं। इसमें मतलब एक्शन सीक्वेंस ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, हमें इंटेंस सीन देखने को मिल सकते हैं और थोड़ी सी स्टोरी बिल्डअप तो हो चुकी है, तो सस्पेंस भी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही साथ में। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि ये मूवी जो है बहुत अच्छी निकल के आए। ट्रेलर में अच्छा लग रहा है, ट्रेलर में एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, थोड़े इमोशनल सीन भी देखने को मिल रहे हैं। मूवी में सबसे अच्छी बात है कॉमेडी को जगह नहीं दी गई है, ट्रेलर में भी कहीं ऐसा घुसाने की कोशिश नहीं की है। मूवी के स्केल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में पता लग रहा है, चाहे वो एक युद्ध का सीन हो या फिर राजाओं के महल दिखाए गए हैं। इसके ट्रेलर को देख के ये भी लग रहा है कि ऐश्वर्या राय का भी रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बाकी जब भी ये मूवी रिलीज होगी इसका रिव्यू भी करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहो रिव्यूज़ विद रूपम के साथ। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।